आपको थोड़ा सा इस प्रकार से चढ़ना पड़ेगा। तो इधर कुछ का खखरा खोजते हुए को मिला बे खखरा खा रहे हो। हेलो, अभी सिकिदरी घाटी पहुंच चुके हैं और नज़ारे बहुत ही खूबसूरत है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ का नज़ारे। अभी ऊपर में हम लोग और अभी हम लोग नीचे जाएंगे सिकिदरी फॉल की ओर। तो इधर अमित है, इधर चरकुदा है। तो हेलो, जा रहे हैं, कैसे लग रहा है? मौसम अच्छा है ना? मस्त मौसम है ना घूमने के लिए? हाँ। तो आप देखिए, तो यहाँ से देखिएगा तो वो जो वाटरफॉल है वहाँ जाने के लिए लोग पूरी तरह से गाड़ी वगैरह सब खड़ा करके पहले से पहुंचे हुए हैं। और हम लोग अभी जाएंगे और जो ऊपर से देखिएगा तो नीचे जो रास्ता है ये वाला रास्ता से हम लोग कट के इधर लेफ्ट जाएंगे। तो फिर चलिए अब चलते हैं हम लोग। और इधर बिल्लू ददवा है क्या? ददवा फीलिंग गुड ना? फीलिंग ऑसम ऑसम ऑसम। ओह माय गॉड, वाओ। तो चलिए अब फिर आगे का जो भी रास्ता है, जो भी नजारे हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। तो आपको ये जो मेन रास्ता है वहाँ से आप जैसे घाटी से नीचे उतरिएगा उसके बाद आपको इधर जाना पड़ेगा। ये रास्ता देखिए बहुत ही भयानक, बहुत ही खूबसूरत है और साथ में बारिश आ जाएगा तो और भी खतरनाक बन जाएगा। तो सच में बहुत ही खूबसूरत जगह है और अभी हम लोग पहुँच रहे हैं भाई आराम से। A few moments later. तो अपनी महबूबा को यहाँ पे खड़ा किए हैं और आप इधर देखिए तो बहुत भयानक, यहाँ से पूरा आगे तक आदमी लोग यहाँ पे बाइक खड़ा करके नीचे गया है जो वाटरफॉल इस ओर है। तो फिर चलते अब हम लोग नीचे। तो अभी हम लोग जूता खोल के आगे बढ़ रहे हैं भाई। तो आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत ये जो नज़ारे हैं। तो अभी हम लोग इधर आगे जा रहे हैं, पहले तो देखेंगे यहाँ का नज़ारा किस प्रकार से भाई। अभी तो खाली पैर इधर जाना पड़ेगा। और ये जो पानी है छिछला पानी है, बहुत ही खूबसूरत है। तो इधर कुछ का खखरा खोजते हुए को मिला बे खखरा खखरा खा रहे हो? हाँ खखरा खखरा कितना धर लाना तो रे ने बटी कहाँ देखा तो? ओहो, तो इधर भाई लोग पूरा खोज रहे हैं। कहाँ पुचका? ओहो, ये को छुट्टी छुट्टी नहीं खेलने। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं निकट में और ये देखिए हल्का सा आगे जाएंगे तो आपको वाटरफॉल जो ऊपर से गिर रहा है वो आपको देखने को मिलेंगे। ये जो आपका पेड़ पौधा ये छेक दिया जिस कारण से ये नहीं दिख रहा है। तो इधर रोहित है और सब फुचका वगैरह सब इधर सब ददवा लोग सब हम लोग यहीं पे बैठे हुए हैं। और बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही शानदार है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे जाएंगे तो फिर आगे का नज़ारा दिखाते हैं। और इधर लोग नहा भी रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ का जो पानी आ रहा है ये आपका ऊपर जो नहर है सोनरेखा जो विद्युत योजना है उसका जो पानी वो आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ भाई लोग नहा रहे हैं, अभी तक लोग नहीं नहा रहे हैं
क्या कि थोड़ा सा हम लोग अभी बन के आए हैं क्या फुचका, अभी नहा भी नहीं सकते हैं भाई, ड्रेस भी नहीं लाए हैं हम लोग, अगले बार आएंगे तो नहाएंगे तो जरूर रहेंगे यहाँ पे। हाँ, और कैसे लग रहा है भाई लोग यहाँ पे जगह? बहुत क्यूट जगह, मस्त जगह है ना, तो सच में बहुत ही खूबसूरत जगह है। अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे नहा सकते हैं। और पहली बात, यहाँ का जो पानी है ये आपका अधिक से अधिक कमर से आपका छाती तक जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा, तो आप यहाँ इंजॉय कर सकते हैं, बशर्त आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, हाँ फिसलने का डर है। और इधर आप देखिएगा तो सब भाई लोग यहाँ भी नहा रहे हैं, आप लोग यहाँ भी इंजॉय कर सकते हैं, और इस प्रकार से यहाँ का नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत है, और आप लोग यहाँ आके इंजॉय कीजिए। अगर बारिश आ गया तो आप लोगों को थोड़ा सावधानी से यहाँ पे उतरना पड़ेगा, आप देख सकते हैं क्योंकि पूरी तरह से काई जमा हुआ है, और थोड़ा सा सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। चला रहे बेस ले, बेस ले, बेस से, बेस से चल फुचका, इन्हें के हर हेलमेट में छिपाए दे, ले फुचका बना देना, पकड़ पकड़ भाई पकड़ो, उतारने का साधन है ये, आप आराम से करिए, बहुत ही खूबसूरत जगह है, हम लोग आए घूमे ऊपर से, ये जो पानी है उसका देख सकते हैं पूरी तरह से ठंडा ठंडा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, और साफ पानी है, ऐसे नहीं है कि ये खेत का पानी है, नहर का पानी, नहर का पानी है। One hour later. यहाँ पे घूम लिए, और यहाँ से आपको जो जाना पड़ेगा वो आपको चप्पल खोल के जाना पड़ेगा, फिर आप आगे पहुँचिएगा, बहुत ही खूबसूरत जगह है, तो रास्ता इस प्रकार से भी है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख के आइएगा। अगर आप लोग शहर में रहते हैं, अगर आपका पैर कोमल कोमल है तो थोड़ा सा अच्छी तरह से जूता पहन के आइएगा, नहीं तो फिर समझ लीजिए क्या होगा आपका पैर का। और ये जो जगह है यहाँ पे हम लोगों को ऊपर चढ़ना है, तो कोई कोई जो चाहता है वो बाइक भी लेके आ सकता है, आप देख सकते हैं बाइक का भी आपका चिन्ह है, पर ज़्यादा समझदारी इसी में है कि आप लोग बाइक ऊपर छोड़ के आइए। और जगह तो बहुत ही खूबसूरत है, हम लोग बहुत इंजॉय किए, आप लोग भी आइए और इंजॉय किए।